पर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आयोजन में हुआ एक मीटिंग का आयोजन। सुल्तानपुर कादीपुर जलालपुर शहीद पूर्व माध्यमिक विद्यालय में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सुल्तानपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आने वाले जिला पंचायत चुनाव में सभी 45 वार्डों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार निषाद ने सभी निषाद भाइयों से अनुरोध किया कि आने वाले चुनाव में हेलीकॉप्टर महारैली का आयोजन होने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार रैली के बतौर मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा ने वादा करा था आरक्षण देने के लिए, अभी तक नहीं दिया, और जो भी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत होने वाला है उन सब जगह पर अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे। 2022 में भी विधानसभा का चुनाव है, अपनी पार्टी को इस चुनाव में उतारेंगे। निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश कुमार निषाद। साथियों, 13 जनवरी को अभी गोरखपुर में एक महारैला हुआ था, जिसमें भाजपा का वादा था आरक्षण के लिए, आरक्षण नहीं अभी दिया, उसके समपक्ष में आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं। कभी सुल्तानपुर में जल्द ही एक हेलीकॉप्टर महारैली होने वाली है, उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरी बात यह है, कभी जो त्रिस्तरीय चुनाव है, उस त्रिस्तरीय चुनाव में आने वाले समय में सभी सीटों पर निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, और इसके बाद 2022 में भी अपना जो है हर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर भाजपा अपना वादा निभाती है, आरक्षण देने का वादा किया था, अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो पार्टी हर सीट पर लड़ने के लिए सक्षम है। क्या किसी और पार्टी से आप जो है गठबंधन कर सकते हैं 2022 में? नहीं, 22 में अभी देखो, राजनीति में कोई पार्टी ना तो दोस्त होती है ना दुश्मन होती है। जो राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो उनका साथ देंगे, और नहीं देंगी तो नहीं रहेंगे। अगर नहीं देंगी तो हम अपने दम पर, निषाद पार्टी पर दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी 2022 में। अभी जिला पंचायत का चुनाव सामने आ गया है, इसमें क्या मुद्दा लेके लड़ेंगे आप 2022 में? देख लीजिए, अभी जो आज तक जो निर्बल इंडिया शोषित हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित समाज है, उनका आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली। ये निषाद पार्टी जो है आज जो बजट पे सबको आज पार्टनरशिप बनाएगी, सबको पार्टनरशिप बना करके बजट पे कब्जा करेगी और सबको जो है हिस्सेदार बना करके देगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? साथियों, किसान आंदोलन जो हो रहा है उस पर सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए, उस पर जो भी सही चीज़ है उस पर निर्णय लेना चाहिए जल्दी से जल्दी उनको। और बाकी निषाद पार्टी किसानों के साथ है, हमेशा थी और आज भी है उनके साथ में। थैंक यू। निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल जय निषाद राज। ये निषादों के अधिकार के लिए जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जो चमार भाई हैं, उनका नाम जो है चमड़ा काम करने वाला लेदरमैन भाई, उनकी बेटी 4-5 बार सीएम बन सकती है। उसी बगल फिशरमैन निषाद का बेटा मछली मारने वाला, क्या निषाद का बेटा सीएम पीएम नहीं बन सकता है? आधा दूध आधा पानी मिलाने वाला यादव भाई, उसका बेटा 5 बार सीएम पीएम बन सकता है, क्या निषाद का बेटा नहीं बन सकता है? देखिए, निषादों का आरक्षण मतलब अभी तक नहीं लागू हुआ। हम लोग मोदी का, अखिलेश का, सबका साथ दिया, लेकिन हमारा आरक्षण कोई आज तक दिया नहीं। नहीं देंगे तो हम अपनी खुद कर जौन है चुनाव लड़के जो है निर्बल इंडिया शोषित हमारा आमदल लड़ के जौन है भागीदारी लखनऊ में मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय निषाद को बनाएंगे लखनऊ के कुर्सी पे राजा नर के। जय निषाद राज। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।